अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है जी? ठीक है जी। सबसे पहले हम करते हैं जी वेलकम हमारे अनदर व्लॉग में। तो अभी 10 बजे 10 का टाइम हो चुका है, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया हुआ है। तो अभी जो बाइक है वो हो चुकी है पंचर। ये देखें जी, ये वाली बाइक पंचर हो चुकी है, जिसका पिछला टायर पंचर है। पता नहीं एक है दो कितने पंचर होते हैं इसमें। तो चलो जिसके लिए इसको ले छोड़ते हैं शॉप पे। हाँ जी, क्या कर रही हो? भैया का जूता है तो उसको पहनाओ, उसको पहनाओ भैया। ये क्या, एक जूता पहने एक पहनने ही नहीं है। चल जूता पहनो। तो जी मैं इसको गली में लेके आ चुका हूँ। ये देखो जी, अब आपको नजर आ रहा है इसका टायर पंचर हो चुका है। देखो जी, अब इसको चलते हैं जी पंचर लगाने। जी भैया, ये है जी पंचर की दुकान और मेरी बाइक को लग रहा है जी पंचर। अब देखते हैं जी कितने पंचर निकलते हैं। दुआ करो जी एक ही निकले, ठीक है। और ये देखो जी, ये भाई भी लगा रहा है जी पंचर, इसने लगा लिया हुआ है, जब कंप्लीट कर लिया इसने। फोन गया, सही हो गया। तो जी भैया चलिए जी तैयारी देव करने की। ये पेस्ट पड़ा हुआ जी, मिर्ची अदरक का, और ये जी सारा कुछ सामान है। ये देखिए जी, प्याज वगैरह पड़े हुए हैं जी। और ये हैं जी अदनान भाई, शर्मा के लगता है। तो आगे चलें जी, ये जी देख पकी जा रही है। ये देखिए जी, प्याज डाले हुए हैं जी। तो जी ये हैं जी चावल, जिसको भिखो दिया गया। और ये साथ पड़ा हुआ जी गोश्त, ये भी डालना देख में। और ये जैकम है जी नाई मारा। और ये देखें जी पकड़ी है जी गोश्त अंदर। और ये देखें जी आग जोरों पे है बिल्कुल, और बहुत सर्दी है इसलिए मैं पास बैठ गया। मैंने कहा ठंड से बचा जाए जितना हो सकता है, ठीक है जी। तो जी गाड़ी का भी डाली जा रही लाल मिर्ची। और देखिए जी चावल हो चुका है फिश, किसमें से जो पानी था वो सारा निकाल दिया, खुश्क हो चुके हैं। अब इसको डालेंगे भाई देख के अंदर। तो चलो जी, हाथ बेच आया सर। दोनों हो चुके उतार दिया गया, और इसके देखे नीचे कोले रख दिए गए और ऊपर भी कोले रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ताकि ये जो आप कर देते हैं ना घर में दम, तो ये वो दम वाला चीज़ है। मालक तेरा 2.5 लाख मांग दे। तो जी ये देखें जी, इस तरह करते हैं जी ताकि ये भैंसे और गायें, ठीक है, सारे जानवर इस तरह करते हैं। तो जी भाइयों, ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। आप भी सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग किस बारे में था, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। जो आप सोच रहे होंगे ये देखें किस लिए पकड़ी है, ये जो मस्जिद में बैठा हूँ किसका ख़त्म है, ठीक है। और 2 दिन से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, तो व्लॉग बनाने की वजह यही है कि मेरे आज से ना 3 दिन पहले मेरे कज़िन के यहाँ हुई है पैदाइश, एक बच्चे की, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। और उसका 2 दिन पहले हो गया इंतकाल, जिस दिन से मैं व्लॉग छोड़ा है, मैंने जिस दिन से व्लॉग नहीं बनाया। तो क्योंकि मेरा दिल ही नहीं किया यार व्लॉग बनाने को, ना ही मैंने अच्छा समझा यार, ये बस मन ही नहीं कर रहा था मेरा व्लॉग बनाने, क्या व्लॉग बंदा बनाया इस चीज़ पे, ठीक है। तो ये उसी की देखें पकड़ी थी, उसका आज तक कुल और साथे का ख़त्म एक साथ था, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, तो इसलिए
तो इसलिए हमारे गांव में ठीक है जो बच्चा फोत होता है ना छोटा सा बिल्कुल एक एक दिन दो दिन या एक हफ्ते का, तो उसका साथी का और कुल ख़त्म एक साथ हो जाता है ठीक है। और तो अगर कोई भी भाई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसके हक में दुआ कर दे, उसके माँ बाप के हक में दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे ठीक है। और तो ये एक काफ़ी काफ़ी तो चलें जी आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।